अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक मोहब्बत भरी कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। आज हम आपको एक ऐसी मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो फूलों की मोहब्बत की कहानी है। तो आइए कहानी में आगे बढ़े। दिल को छूने वाली मोहब्बत की कहानी, इसमें जिक्र करदा हर चीज बिल्कुल दुरुस्त है। उस गांव में शक्ति नाम का एक लड़का था। उसे बचपन से उसी गांव की दीपिका नामी लड़की से मोहब्बत थी। वो उसे बहुत चाहता था लेकिन वो उसे बताना नहीं जानता था। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरता गया, लड़की ने भी उसे पसंद करना शुरू किया लेकिन वो उसे बता भी नहीं सकी। ये कुछ देर चलता रहा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे लेकिन एक दूसरे को बता नहीं सके। ये सिलसिला लगभग एक साल तक जारी रहा। दोनों हैरान हुए कि कैसे बताऊं। एक बार जब लड़की के पास पेपर थे और वो बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, बस उस दिन की देर थी और पेपर शुरू होने ही वाला था। शुरू होने में आधा घंटा था और बस स्टैंड से स्कूल का फासला 7 किलोमीटर था। वो लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी और बस का इंतज़ार कर रही थी और उस सड़क पर ऑटो नहीं चलता था। जब बहुत ज़्यादा वक़्त गुजर गया, लड़की ने सोचा नहीं कि कैसे जाए। लड़की के दोस्त बस स्टैंड पर थे, उन्हें उन दोनों के बारे में मालूम था। लड़के दोस्तों ने लड़के को बताया कि वो बस स्टैंड पर खड़ी है, वो लेट हो हुई है और बस नहीं पहुंची है। लड़का मोटरसाइकिल लेकर घर से भाग गया और बस स्टैंड के पास आया और उसे वहां खड़ा देखकर कहा, आओ हम चले, बस नहीं आएगी, फिर देर हो जाएगी और पेपर छूट जाएगा। लड़की ने कुछ नहीं कहा। तब लड़के ने कहा, हम भी वही चल रहे हैं, फिर आपको भी वहीं छोड़ देंगे। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा ठीक है। वो दोनों पेपर देने मोटरसाइकिल पर चल दिए। जब थोड़ी दूर चले गए तो लड़के ने पूछा, आज किसका पेपर है? लड़की बोली, हिंदी का। तब लड़की ने कहा कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं? लड़के ने कहा, स्कूल के साथ ही मेरा थोड़ा काम है। लड़के ने कहा, कब तक आपका पेपर ख़त्म होगा? तो लड़की ने कहा, क्यों? बस वैसे ही पूछा है। लड़की ने कहा, 12 बजे। लड़का बोला, हो सकता है मैं भी 12 बजे फ्री हो जाऊं। वैसे आप फिर घर कैसे जाएंगी? तो लड़की ने कहा कि बस से तब मैं बस स्टैंड पर आपका इंतज़ार करूंगा। लड़की भी उसे चाहती थी लिहाजा वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी। लड़का उसे स्कूल छोड़ने गया और कहा, मैं बस स्टैंड पर इंतज़ार करूंगा। लड़की ने कुछ नहीं कहा और स्कूल गई। जब वो स्कूल से बस स्टैंड गई और लड़का वहां इंतज़ार कर रहा था, लड़के को वहां देखकर वो लड़की उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई और दोनों वहां से चल पड़े। दोस्तों जब कुछ दूर गए तो लड़के ने कहा कि करीब ही एक आबशार है, बहुत अच्छी जगह है, वहां पर लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं, चलो हम भी घूम कर आते हैं। लड़की बोली, नहीं लेट हो जाऊंगी, अगर मैं घर पर लेट गई तो माँ बोलना शुरू कर देगी कि इतना वक़्त कहाँ थी। लड़का बोला, बोल देना बस देर से आई थी, पहले बस स्कूल से मिस हुई और दूसरी बस देर से आई। लड़की बोली, अगर पकड़े गए तो? लड़का बोला, नहीं पकड़े जाते, चलो ये बहुत ही अच्छी जगह है। चुनाचा लड़की भी उसे चाहती थी क्योंकि वो भी वहाँ जाने के बारे में सोचना शुरू कर दी। लड़की ने कहा, ठीक है लेकिन आपको वहां से जल्दी आना होगा। लड़के ने कहा कि ठीक है।
दोस्तों दोनों आबशार पर गए जहां लोग दूर दूर दराज से देखने आते थे। वहां बहुत ज़्यादा हजूम होता है, वहां जंगल का इलाका भी है। वहां से चलने के बाद वो लड़की और लड़का एक पुरसकून इलाके में गए और कुछ देर खामोशी से बैठे रहे। और फिर लड़के ने कहा कि अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा हाँ। लड़का बोला पहले तुम वादा करो कि तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होगा। लड़की कहती है नहीं, मुझे क्यों इतराज़ होगा। लड़के ने एक बात कही और कही अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको किस तरह प्रपोज करेगा। लड़की को उसकी बात समझ आई और वो भी उसे चाहती थी, लिहाजा उसने कहा सबसे पहले मुझे तुम बताओ कि अगर आपको लड़की चाहती हो तो किस तरह प्रपोज करें। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को चाहते हैं। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। दोस्तों फिर दोनों ने हिम्मत की और एक दूसरे को प्रपोज किया। वो दोनों हंस पड़े और दोनों ने एक दूसरे से कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और एक दूसरे को गले लगा लिया। थोड़ी देर गले मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से घर लौटे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से अपने मन के बारे में बात की थी। यूं ही दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ। अब दोनों रोज़ाना एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। एक दिन रात को बातें करते हुए उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें बोसा दे सकता हूँ। लड़की ने क्यों नहीं कहा, दर हकीकत मैं बोसा लेने के मूड में भी हूँ। लड़का बोला क्या आप अब मुझसे मिलने आ सकते हैं। लड़की ने कहा पापा और माँ बाहर सो रहे हैं, बहन अपने कमरे में सो रही है, अगर मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो वो जाग जाएंगे।